So beta, we are doing chapter number 5, states of matter, and in this chapter we have completed the ideal gas equation. हम लोगों ने इस चैप्टर में आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज कॉम्बाइंड गैस लॉ इन द लास्ट वीडियोज में हम लोगों ने डिस्कस किया था. ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस. अब रियल गैसेस क्या होती हैं, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस नो पर्टिकुलर गैस फॉलो गैस लॉज. मीन्स टू से अंडर नॉर्मल कंडीशंस नो पर्टिकुलर गैस इज आइडियल. आइडियल गैसेस मीन्स टू से दोज विच फॉलो all the gas laws under all conditions of temperature and pressure, they are known as ideal gases. But practically, actually, there does not exist any ideal gas under normal conditions. So such gases which do not follow the conditions of ideality, that is, which do not obey gas laws, those gases are known as real gases. Real gases which do not obey gas laws, okay, under all conditions of temperature and pressure, they are known as real gases. Now question arises that why there exist deviations from ideal behavior. Means to say कि gases gas laws को follow क्यों नहीं करती, cause क्या है. That is, अगर deviation takes place हो रही है, deviation किससे, ideal behavior से. जो general gases हैं ये ideality condition से deviate क्यों कर जाती हैं, why, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. दैट इज बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, दैट इज डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर. डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, दिस इज आवर टुडेज टॉपिक. ओके बेटा, सो नाउ एज वी ऑलरेडी डिस्कस, a gas which follow ideal gas equation or that is PV is equal to nRT under all conditions of temperature and pressure, they are known as ideal gases. Yeah, is known as आइडियल गैस, उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस. ठीक है, बट एज ही ऑलरेडी डिस्कस, नो पर्टिकुलर गैस शोज द कंडीशन ऑफ आइडियलिटी. नो पर्टिकुलर गैस इन जनरल बिहेव्स आइडियली, एंड इन सर्टन केसेस दीज गैसेस found to obey the gas laws under specific conditions. यहां से आपका first question जो है one mark का वो arise हो जाता है. Under which conditions a real gas shows ideal behavior? या under which condition real gas becomes ideal? किन कंडीशन में एक रियल गैस जो है वो आइडियलिटी बिहेवियर को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है. तो आप लिख सकते हो कि द गैसेस आर फाउंड टू ओबे गैस लॉज इफ द प्रेशर इज लो और द टेम्परेचर इज हाई. क्लियर बेटा, मीन्स टू से अ पर्टिकुलर गैस कैन फॉलो गैस लॉज और can behave as ideal gas only at
लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशंस, ये आपने माइंड में रखना है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन मार्क में क्वेश्चन आता है। दैट इज अ रियल गैस कैन बिहेव एज एन आइडियल गैस, अ रियल गैस कैन बिहेव एज एन आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। दिस इज द कंडीशन। बट याद रखना है, यहां पे भी ये पर्टिकुलरली नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर कंडीशन है, हाई टेम्परेचर के ऊपर वो कंप्लीटली आइडियल हो जाएगी, 100% आइडियल, नो 100% आइडियल नहीं होगी। हाँ, नियरली आइडियल जो कंडीशंस होती है या नियरली आइडियल बिहेवियर जो है वो शो करेगी दैट पर्टिकुलर गैस, ठीक है जी, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये वन मार्क में बेटू क्वेश्चन आता है, इसको आपने अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। अदरवाइज अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑल गैसेस आर रियल। नॉर्मल कंडीशन में सारी की सारी गैसेस जो होती हैं वो रियल गैसेस होती हैं, ठीक है जी, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। और ये जो नॉन आइडियलिटी है, ठीक है, जो डेविएशन राइज होती है, यानी आप कह सकते हो कि जैसे अगर ग्राफिकली डिस्कस करें हम लोग, ग्राफिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो प्रेशर वर्सेस प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं इसको, अलोंग वाई एक्सिस पी वी प्रेशर वॉल्यूम और इस तरफ पी ओनली प्रेशर। तो यहां पे क्या है, जो आइडियल गैसेज होती हैं वहां पे विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर जो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ रहता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रहता है, वो कांस्टेंट रहता है इस तरह से, ये कांस्टेंट। अगर कोई गैस इस पर्टिकुलर ग्राफ में इस तरह से बिहेव करती है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ या ऐसे कांस्टेंट ग्राफ राइज होता है, तो हम बोलते हैं कि वो गैस जो है वो आइडियल है। अदरवाइज अगर इससे ऊपर या नीचे ग्राफ बन रहे हैं तो हम उसको नाम दे देते हैं डेविएशंस। डेविएशन का बेटा मतलब होता है भटकना, ठीक है, मतलब जो पर्टिकुलर पाथ है उसको फॉलो ना करके किसी और पाथ के ऊपर मूव करना, डेविएट हो जाना, भटक जाना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये चीज रहती है। तो एक्चुअल में क्या रहता है कि जो आइडियल गैसेस होती हैं वो ये बिहेवियर शो करती हैं, दिस वन। यहां पे आपके पास ये कंडीशन बेटा सेटिस्फाई होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यहां पे इस ग्राफ के लिए ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कंडीशन रहती है, ये आपने ध्यान रखना है इस चीज में, इस केस में। अब मैक्सिमम केसेस क्या करती हैं, कुछ गैसेस के केस में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आप, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, हाइड्रोजन होगी, हीलियम होगी, ये गैसेस ऐसी होती है जिनका ग्राफ जो है वो कंडीशन ऑफ आइडियलिटी से ऊपर बनता है ऐसे, ये बनते हैं आपके पास हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन, ये हीलियम के लिए जो बनेगी ऑब्जर्वेशन आएगी, जो अब हम प्रेशर वर्सेस प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये वेरिएशन आती है, ठीक। अब क्योंकि ये आइडियलिटी कंडीशन से ऊपर है, ठीक है, अबव द आइडियलिटी कंडीशन है, इसलिए ऐसी डेविएशन को हम नाम देते हैं पॉजिटिव डेविएशन, ये पॉजिटिव डेविएशन, दिस इज नोन एज पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिवली डेविएट कर रही है, यानी यहां पे जो प्रेशर वॉल्यूम है वो ग्रेटर हो जाता है, इंक्रीज करता है, विद राइज इन प्रेशर द प्रेशर वॉल्यूम फैक्टर जो है दैट आल्सो इंक्रीजेस, आप ये कह सकते हो डायरेक्टली इंक्रीजेस एक तरह से, ठीक है, ये पॉजिटिव डेविएशन कहलाती है, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। यहां पे एक चीज फैक्टर, एक फैक्टर हम डिस्कस करते हैं कंडीशन ऑफ आइडियलिटी को डिस्कस करने के लिए, वो होता है जेड फैक्टर, जेड,
ये बेटा जेड जो है इट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, ये रेशियो होती है किसकी, प्रेशर वॉल्यूम, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन जो थी आपकी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, वो जेड के विद रिस्पेक्ट टू हम रिप्रेजेंट करते हैं पीवी ओवर एन आर टी, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रहता है। तो जो डेविएशन है ना, जो वेरिएशन है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ आइडियलिटी, उसको डिस्कस करने के लिए ये जेड फैक्टर हेल्पफुल रहता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि आइडियल गैसेस के लिए ये जो जेड रहता है, आइडियल गैस के केस में क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, दैट इज ये जो रेशियो रहेगी दैट बिकम्स वन, दैट इज जेड इज इक्वल टू वन आ जाता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है इट बिकम्स वन। यूनिटी किसके लिए, आइडियल गैसेस के लिए, ये वाला केस। अब ध्यान से देखना है, जब किसी पर्टिकुलर गैस में ये जो कंप्रेसिबिलिटी बेटा फैक्टर है, अगर ये जेड ग्रेटर देन वन हो जाता है तो दैट मीन्स टू से कि वो पर्टिकुलर गैस पॉजिटिवली डेविएट करेगी फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, क्या करेगी, पॉजिटिवली डेविएट करेगी उस केस में फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अगर ये जेड लेस देन वन हो जाता है, मतलब यहां पे जेड इक्वल टू वन है तो ऊपर पॉजिटिव वन हो गया, नीचे जेड ये वाले जो रीजन है दिस वन, ये नीचे वाला ये है जेड लेस देन वन, अगर जेड लेस देन वन हो जाता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर लेस देन वन हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर गैस जो है उस पर्टिकुलर गैस के लिए जो डेविएशन आएगी दैट विल बी नेगेटिव डेविएशन। एक जनरल स्टडी के अकॉर्डिंगली एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव की हो चुका है या प्रूव किया गया, आप ये कह सकते हो कि जब कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है तो उस केस में जेड हमेशा वन रहता है, दैट इज पी बी इज इक्वल टू एन आर टी रहता है, ठीक है, या अप्रोक्सीमेटली वन रहता है। लेकिन फॉर गैसेस लाइक हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सभी गैसेस में डेविएशन अराइज होती हैं। ये एक पर्टिकुलर प्रेशर रेंज में ही कंडीशन ऑफ आइडियलिटी को फॉलो करती हैं, अदरवाइज नहीं, समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड केस में क्या होता है कि लो प्रेशर कंडीशन में, जब प्रेशर लो होता है तो वो नेगेटिवली डेविएट करती है बेटा, जेड लेस देन वन रहता है लो प्रेशर कंडीशन में, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है वैसे वैसे डेविएशन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज करती जाती है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन द केस, इस वजह से, इस तरह से, ये दिस इज फॉर CO2, दिस इज फॉर CH4, ये दोनों गैसेस जैसे आप यहां पे देख ही रहे हो कि जो आपके पास CH4 की हायर डेविएशन रहती है, CO2 की लेसर रहती है थोड़ी सी इस केस। अब आप ये प्रेशर कंडीशन जो है ये वाली, ठीक है, इस पे जाके ये जो प्रेशर कंडीशन है, इस प्रेशर के ऊपर आप कह सकते हो कि ये एक कंडीशन ऑफ आइडियलिटी सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन वैसे ओवरऑल लो प्रेशर कंडीशन में जेड लेस देन वन है, इस केस में जेड क्या है, लेस देन वन है। तो ये वाला केस जो है दिस वन, यहां पे ये नेगेटिव डेविएशन रिप्रेजेंट हो रही है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है बेटू। और इसके बाद जब प्रेशर और ज्यादा बढ़ा देते हैं हायर प्रेशर कंडीशन में, ये पॉजिटिवली डेविएट कर जाती हैं। यहां पे ये आप देख रहे हो, ये वाला केस जो है ये आपका पॉजिटिव डेविएशंस का केस है, ये दोनों पॉजिटिवली डेविएट कर गई है, मतलब जो प्रेशर वॉल्यूम फैक्टर था वो हाईली इंक्रीज कर गया एट हायर प्रेशर कंडीशन। इस तरह से दो तरह से या दो तरह की डेविएशंस जो हैं वो बेटा अराइज होती हैं इन केस ऑफ रियल गैसेस में। कौन कौन सी टाइप की, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और इसको डिस्कस करने के लिए किसके विद रिस्पेक्ट टू डिस्कस किया जाता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं जेड फैक्टर, ठीक है जी, जेड फैक्टर के विद रिस्पेक्ट टू हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। एक चीज आप लोगों ने नोट कर लेनी है कि जो गैसेज होती हैं दे शो आइडियल बिहेवियर
एक तो वो कंडीशन होगी लो टेम्परेचर एंड हाई सॉरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन. दूसरी बात है व्हेन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज लार्ज. वेल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज लार्ज सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी निग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू इट. दैट इज बिहेवियर ऑफ गैसेस बिकम्स मोर आइडियल अल्टीमेटली जब प्रेशर लो होगा. क्योंकि प्रेशर लो के ऊपर आपको पता है क्या होगा, उसके इसमें वॉल्यूम एक्सपेंड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा. वॉल्यूम ऑफ गैस इतना ज्यादा हो जाएगा कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ गैस का वॉल्यूम कंपैरेटिवली एज इन कंपैरिजन टू द होल गैस दैट बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल दैट इज नेग्लिजिबल. उस केस में हम लोग ये जस्टिफाई करते हैं कि जो गैसेज है वो आइडियलिटी कंडीशन को फॉलो करें. ठीक है जी. सो दिस इज हाउ द डेविएशन अराइजेस. और इसको ये जो डेविएशंस है ये किसके विद रिस्पेक्ट टू स्टडी की जाती हैं, बाय अ मैथमेटिकल टर्म या आप कह सकते हो क्वांटिटी विच इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. एंड जनरली इफ जेड इज रिमेन्स यूनिटी for a particular type of gas, then we can say that particular gas is ideal. Otherwise, if Z becomes greater than 1, then it is, the particular gas will be real gas and will show positive deviation from ideal behavior. Otherwise, if Z is less than 1, then it will show the negative deviation from ideal behavior. ठीक है जी. So this is called या दिस इज द बेसिक कॉज कह सकते हो आप डेविएशंस विद रिस्पेक्ट टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. अब एक और कंडीशन यहां पे डेफिनेशन आप लोगों ने बेटर नोट कर लेनी है, बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट BOYLE. ठीक है, बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट. बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट बेटा क्या होता है, ये वो टेम्परेचर रेंज रहती है ठीक है, एप्रिशिएबल जो प्रेशर आप कह सकते हो टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन आप कह सकते हो, जहां पे एक पर्टिकुलर गैस जो है एक पर्टिकुलर रियल गैस जो है वो कंडीशन ऑफ आइडियलिटी को सेटिस्फाई करे, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट. क्लियर बेटा. दैट इज द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस behaves like an ideal gas over an appreciable range of pressure, that is known as boil temperature or boil point. Clear beta. And the compressibility factor ka maan lijiye aapko question aata hai what is the significance of compressibility factor, to us case mein hum log z ke with respect to find out kar lenge. तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो रहेगा दैट विल बी द रेशियो ऑफ द एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो रहेगी टू दैट ऑफ द कैलकुलेटेड मोलर वॉल्यूम दैट इज कंसीडरिंग इट एज एन आइडियल गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकली एक तो ये हो गया, ये तो है ही है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दैट इज ये आपके पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के विद रिस्पेक्ट टू. अगर हम बात करें आइडियल, अगर पी वी आइडियल लेकर चले तो उस केस में आपके पास जो वी आइडियल की वैल्यू रहती है ये एन आर टी है, और यहाँ पे वी आइडियल जो है दैट इज इक्वल टू एन आर टी ओवर पी, ये बन गया. और इस केस में अगर हम अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन वन जो आपके पास है ही है जो मेन इक्वेशन है That is Z is equal to PV over NRT. वहां पे values put कर देंगे V ideal की, तो आपके पास जो है वो ratio बन जाएगी Z is equal to, यहाँ पे बन जाएगा Z is equal to V real over V ideal. V real over V ideal. V real over V ideal. इस तरह से हम लोग इसको represent करेंगे. ठीक है बेटा जी. इस तरह से आप लोग इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का सिग्निफिकेंस जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो जेड है ये जो है ये पी वी रियल होता है बेटा, पी वी रियल ओवर एनआरटी. ये वी आइडियल के केस में पी वी इज इक्वल टू एनआरटी,
जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो वी आइडियल आपके पास आ जाएगा एनआरटी ओवर पी, और जेड आपके पास यहाँ पे वी रियल आ गया और वी आइडियल, पी पी तो कैंसिल हो ही जाएंगे उसके, इसमें इस तरह से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। अब कॉज ऑफ डेविएशन ओवरऑल आप क्या लिखोगे, दैट फर्स्ट वन यानी वॉल्यूम चेंज एक्सप्रेस हो रहा है, दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है जी। सेकेंडली जो मतलब गैसियस वॉल्यूम जो रहता है, गैसियस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम रहता है वो निग्लिजिबल नहीं होता, दैट इज नॉट निग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस, फर्स्ट कॉज, ठीक है, कॉज ऑफ डेविएशन। आइडियल गैसेस क्या बोलती है, आइडियल गैसेस के अकॉर्डिंगली है कि वॉल्यूम ऑफ द जो मॉलिक्यूल्स होता है, वॉल्यूम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता है, दैट इज वेरी मच निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, बट एक्चुअली इट डज नॉट हैपन सो, ठीक है, इस तरह से नहीं होता। सेकेंडली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर निग्लिजिबल, ये आइडियल गैस इक्वेशन बोलती है, या आइडियल गैसेस के केस में, ठीक है, उस केस में क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन रहता है, ये मान के चला जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस पार्टिकल दैट इज निग्लिजिबल रहता है, एंड जब स्टडी की गई तो देन इट आल्सो बिकम्स इम्पॉसिबल, ऐसा भी नहीं होता, देयर एग्जिस्ट सर्टन टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ विच द गैसेज आर कॉम्प्रेसिबल इन नेचर। सो आप कह सकते हो कि ये दो मेन फॉल्टी पोस्टुलेट्स जो थे, ठीक है, फॉल्टी अजम्पशंस जो थी बिकॉज ऑफ विच आइडियल गैसेज को डिस्कस किया जाता है, दीज अजम्पशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेविएशंस ऑफ रियल गैसेज फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सो बेटा इस चीज को आप लोगों ने अच्छी तरह से एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेना है डेविएशंस को। और एक चीज और है यहाँ पे जिसके विद रिस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन का, जो एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैस जिसको बोला गया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी ये एक जिसको स्टडी किया गया था डिपेंडिंग अपॉन द गैस लॉस, जो वेरियस गैस लॉस थे उनके आधार पे एक थ्योरेटिकल जिसको आप बोलते हैं जस्टिफिकेशन दी गई थी इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ने गैस लॉस की थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाई थी, और उसने ही बोला गया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये बोला गया था कि जो गैसेज होती है दे आर मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर, एंड देयर एग्जिस्ट नो पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द गैसियस या कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द गैसेज, दैट इज गैसियस मॉलिक्यूल वगैरह जो होते हैं उनके बीच में कोई इंटर पार्टिकुलर फोर्सेज नहीं एग्जिस्ट करता, या फिर अगर करता है तो दैट इज वेरी वेरी निग्लिजिबल रहता है। एंड अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैसेज इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द गैस, दैट इज जो गैसेज मॉलिक्यूल होता है उसका जो वॉल्यूम रहता है दैट इज कंपैरेटिवली वेरी वेरी स्मॉल, सो स्मॉल दैट इट कैन बी निग्लेक्टेड, ठीक है। तो एक ये पोस्टुलेट दिया गया था कि आइडियल गैसेज के केस में जो वॉल्यूम ऑफ द गैसेज मॉलिक्यूल होता है दैट इज निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस। इसके अलावा बाकी वही थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, दैट इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैसेस पार्टिकल इज बिकॉज ऑफ द बॉम्बार्डमेंट ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स अलोंग द साइड्स ऑफ द कंटेनर, जब कंटेनर के साइड्स के साथ गैसेस टकराती है तो वहां पे प्रेशर एग्जर्ट करता है और उसी वजह से जो है ये प्रेशर ऑफ द गैसेज जो है वो अराइज होता है। इसके अलावा द मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ऑफ द गैसेस जो गैसेज पार्टिकल जिनको आप बोलते हैं कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल द एटम जो भी होते हैं they are supposed to move continuously, ठीक है, in different directions with different velocities and they keep on colliding with one another, ठीक, as well as on the walls of the container, जिसकी वजह से gases की stability को explain किया गया था, समझ रहे हो कि Brownian movement करते रहते हैं, कहने का मतलब ये है। इसके अलावा जो molecules रहते हैं gases के जो molecules रहते हैं they are perfectly elastic and hard sphere so that no energy is wasted when the molecules collide with one another or with the walls of the vessel, ठीक है। So these are the beta various postulates of kinetic molecular theory that is theoretical justify किया गया था gases laws को in
काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको दिया गया था, डिस्कस किया गया था बाय बर्नौली साइंटिस्ट से 1738 में, और बाद में इसको इम्प्रूव किया गया था, कंप्लीट किया गया था बाय द क्लॉशियस, CLAUSIUS क्लॉशियस इन 1857 में, ठीक है जी। इसको बोला गया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसी के कुछ पोस्टुलेट थे जिनकी वजह से जो रियल गैसेस है वो डेविएट करती हैं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो बेटा इन दोनों चीजों को आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पोस्टुलेट्स, जो फॉल्टी पोस्टुलेट थे जिनकी वजह से डेविएशन, दैट इज मोलर वॉल्यूम, दैट इज मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस नेग्लिजिबल, और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस इज नेग्लिजिबल, ये दो मेन पोस्टुलेट थे, फॉल्टी पोस्टुलेट माने गए थे बाद में, जिनकी वजह से जो गैसेज हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, दैट इज गैसेज बिकम्स रियल, ठीक है। तो इनको आपने एक बार दोबारा से अच्छी तरह से बेटा डिस्कस कर लेना है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉज ऑफ डेविएशंस, कंडीशंस ऑफ आइडियलिटी, ये दो मेन चीजें हैं जो आपने अच्छी तरह से कर लेनी है, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ अनदर टॉपिक इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, टिल देन आप इसी चीज को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए सभी बच्चे ढंग से जरा, ठीक है।